हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग, वेलकम टू सिविल डिकोडर ऑफिशियल। दोस्तों, आज का अपडेट रहने वाला है असम राइफल में टेक्निकल ट्रेड्समैन की वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों, ये जो आपकी वैकेंसी रहने वाली है वो आपकी टेक्निकल रहने वाली है, आईटीआई तथा डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए रहने। दोस्तों, इसमें आपकी जो इम्पोर्टेंट डेट है वो आपका जो फॉर्म ओपन हुआ था 21 अक्टूबर को, आवेदन करने की अंतिम तिथि आपकी 19 नवंबर है। दोस्तों, इसमें आपका जो वैकेंसी है वो आपकी ऑल इंडिया बेसिस पे स्टेट वाइज निकाली गई है। टोटल जो वैकेंसी आपकी है वो आपकी 161 वैकेंसी के लिए आवेदन मांगा गया है। दोस्तों, इसमें आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट और आपका जो हाइट वेट के आधार पर भी वैकेंसी है। आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है वो आपका इसमें जो पैरामीटर्स दिए गए हैं आपको ये पैरामीटर फुलफिल करना है। दोस्तों, इसमें आपको आवेदन कैसे करना है, आपको असम राइफल की मेन वेबसाइट पे जाना है, फिर आपको वहाँ से आवेदन करने का लिंक मिल जाएगा। इसमें जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपकी 200 रुपये है जनरल कैंडिडेट के लिए, OBC और आपके EWS कैंडिडेट के लिए, और आपका SC ST एक्स सर्विस मैन फीमेल के लिए फ़ीस का रिलैक्सेशन है। दोस्तों, मैं आपको इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिखा देता हूँ और आपकी जो अलग अलग वैकेंसियों के लिए है। दोस्तों, इसमें आपकी ये जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ट्रेडमैन पर्सनल असिस्टेंट के लिए, इसमें आपका इंटरमीडिएट मांगा गया है और टाइपिंग मांगा गया है। अपर एज लिमिट आपकी 25 साल है। नेक्स्ट पोस्ट है ट्रेडमैन लाइनमैन, इसमें आपका इंटर होना चाहिए और आपका ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन से। एज लिमिट आपकी 18 से 23 साल है। और दोस्तों, जो आपका नेक्स्ट पोस्ट है वो आपका रिकवरी व्हीकल मैकेनिक है, इसमें भी आपका जो 10th मांगा गया और ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए मैकेनिक से। एज लिमिट 18 से 25 है। ये दोस्तों वैकेंसी केवल मेल कैंडिडेट के लिए ही है। और दोस्तों, जो नेक्स्ट है टेक्निकल वैकेंसी है डिप्लोमा के लिए है, वो आपका ट्रेड ब्रिज एंड रोड। दोस्तों, इसमें कंस्ट्रक्शन के लिए वैकेंसी है ब्रिज एंड रोड के लिए। इसमें आपका मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो इनिशियल रैंक मिलेगी नायब सूबेदार की मिलेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है आपका डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग है। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसी है। आपका जो कंस्ट्रक्शन है वो आपका रोड एंड ब्रिज आपको मिलेगा। एज लिमिट आपकी 18 से 23 साल है। दोस्तों, इसी प्रकार आपकी नेक्स्ट वैकेंसी है ट्रेड इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। इसमें आपका बैचलर डिग्री मांगा गया इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और सिविल से। एज लिमिट आपकी 18 से 30 साल है। और दोस्तों, आपका इसी प्रकार नेक्स्ट वैकेंसी है ड्राफ्टमैन की है। इसमें आपका 10+2 और आपका डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर से मांगा गया है। एज लिमिट आपकी 18 से 25 साल है। और दोस्तों, जो नेक्स्ट वैकेंसी है ट्रेडमैन प्लम्बर की है, इसमें आपका 10+ प्लम्बर का सर्टिफिकेट होना चाहिए ITI। एज लिमिट आपकी 18 से 23 साल है। और दोस्तों, नेक्स्ट है वो आपका एक्सरे असिस्टेंट की वैकेंसी है। इसमें आपका 10+2 और आपका रियोलॉजी से डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए। दोस्तों, ये आपकी पूरी वैकेंसी, इनकी क्वालिफिकेशन है और नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी इधर दी गई हैं। इसमें आपकी स्टेट वाइज है आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरला, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। दोस्तों, इसमें जो टोटल 161 वैकेंसी हैं वो आपकी ऑल इंडिया अलग अलग स्टेट में अलग अलग नंबर ऑफ वैकेंसी दी गई हैं। दोस्तों, इसमें आपके फिजिकल पैरामीटर्स भी हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट इसमें फिजिकल पैरामीटर में फुलफिल बैठ रहे हैं वही आवेदन करें। दोस्तों, इसमें आपको आवेदन करने के बाद आपको इसमें पहले फिजिकल फिट होना चाहिए, आपको फिजिकल स्टैंडर्ड जो टेस्ट है उसमें पास होंगे, फिर आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा जिसमें कि आपकी रनिंग है, फिर आपका रिटर्न एग्जाम होगा। दोस्तों, इसमें सारा डिटेल्स दिया गया है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। और जो आपकी आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो आपकी 19 नवंबर है। आपको किसी प्रकार का कोई डाउट्स है तो आप लोग कमेंट करें, टेलीग्राम को ज्वाइन करें, उस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।